एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यार देखो, अच्छा जितनी भी फेशियल प्रॉब्लम्स होती है ना, उनमें से पता है आपको सबसे भौकाली फेशियल प्रॉब्लम्स कौन सी होती है? वो होती है स्कार्स की प्रॉब्लम। पता है इनको ना अपने आप में एक घमंड होता है, बड़ा ईगो होता है कि मतलब हमको तो कोई खत्म कर ही नहीं पाएगा। तो आज हम इन्हीं के इस घमंड को चकनाचूर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो मतलब आज मैं आपको कुछ रेमेडीज तो बताऊंगी, साथ में एक फेशियल होगा भी बताऊंगी, क्योंकि पता है यार बहुत ट्राई कर लिया। मुझे पता है आप लोगों ने बहुत कुछ कर लिया, रेमेडीज ट्राई कर लिए, बट नहीं मिलता यार उतना अच्छा रिजल्ट। तो आज मैं आपको एक फेशियल योगा भी बताऊंगी जो रेमेडीज के साथ में आपको फॉलो करनी होंगी, और वो सारी चीज़ें मिलके फिर आपके फेस पे जो भी स्कार्स है ना वो बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। तो जो भी बताती हूँ सारी चीज़ों को वैसे ही फॉलो करना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम जल्दी से आज के इस वीडियो की। तो पहले हम बात करेंगे रेमेडीज के बारे में, क्यों सही रहेगा ना। हाँ चलो ठीक है। तो सबसे पहले रेमेडी जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आपको उसे डेली फॉलो करना होगा, दिन में, मतलब डेली आपको उस चीज़ को दिन में अपने फेस पे अप्लाई करना होगा स्कार्स को ठीक करने के लिए। तो इस रेमेडी के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, टमाटर और सैंडलवुड पाउडर, मतलब कि चंदन। तो करना ही होगा, हमें ज़रूरत होगी टमाटर के पल्प की। तो आप उसको मिक्सी में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लो, या फिर ऐसे ही उसको अच्छे से प्रेस करके उसका जो भी पल्प है, जूस है, उसको एक बॉल में निकाल लो। और अच्छी तरीके से उसको एक बॉल में लेने के बाद में हम उसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा सैंडलवुड पाउडर, मतलब कि चंदन। उन दोनों को फिर आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आपको इसी पेस्ट को अपने पूरे फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई करना है। लगाने के बाद में बस हमको 20-25 मिनट के लिए रुकना होगा। अब पता है ये पैक अच्छा इसलिए होने वाला है क्योंकि जो टमाटर होता है ना उसमें लाइकोपीन होता है जो स्किन को रेजिनवेट करता है, साथ में इसमें विटामिन ए होता है जो नई सेल्स को बनाता है। जब आपकी पुरानी सेल्स को खत्म करेगा, आपकी स्किन में नई सेल्स आएंगी, तो जो स्कार होंगे ना वो भी धीरे धीरे रिमूव होते चले जाएंगे, नई सेल्स आती जाएंगी, तो आपकी स्किन क्लीन और क्लियर होती जाएगी। साथ में जो डल कॉम्प्लेक्शन या फिर स्पॉट्स या फिर ब्लेमिशेस होते हैं ना उनको भी ये ठीक करता है। इस वजह से टमाटर का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो सैंडलवुड पाउडर होता है उसमें भी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, सूदिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, तो वो भी आपके इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरीके से हील करेगा। इस वजह से इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके हम अपने फेस के स्कार्स को ठीक कर लेंगे। तो बस लगा के 20-25 मिनट के लिए रखना होगा, उसके बाद में सिर्फ नॉर्मल वाटर से ही आपको अपने चेहरे को धुल लेना है। इस चीज़ को डेली फॉलो करो, दिन में कभी भी अप्लाई कर सकते हो, बट करना ज़रूर, बहुत ही जल्दी से आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। चलो पहली चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अभी इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी उसके लिए हमको ज़रूरत होगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की, और वो है लेमन। अब मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा है, मतलब स्कार से रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है कि कौन सा इंग्रेडिएंट यार सबसे बेस्ट होने वाला है। तो पता है लेमन का जिक्र हर जगह हो रहा था, मतलब आप कोरा पे सर्च करके देख लो, आप विकिहाउ पे देख लो, और भी कई सारी वेबसाइट पे लेमन को ऐसा कहा जा रहा था कि मतलब ये बेस्ट होता है। बट दिक्कत ये कि यार अगर हम सिर्फ लेमन अप्लाई करेंगे ना तो वो थोड़ा सा हार्श हो जाएगा। मतलब आप जानते हो जब हम उसको ऐसे कहीं नॉर्मली अप्लाई करते हैं तो हल्की सी इचिंग होती है। अगर डायरेक्ट आप सिर्फ लेमन ही अप्लाई कर रहे हो तब तो समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा वो हो जाएगा ना, हो सकता है रैशेज भी हो जाए, फिर जो भी प्रॉब्लम है। तो इस वजह से मैंने क्या सोचा कि सिर्फ लेमन हमको नहीं अप्लाई करना है, हम लेमन के साथ में इसमें एक और इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे। तो क्या करना है, लेमन आपको थोड़ा सा अपना हाथ पे निकाल लेना है, हाफ लेमन का जो भी जूस होगा आप उसको हाथ पे ले लो, फिर आप इसमें थोड़ा सा बस रोज़ वाटर ऐड कर दो। रोज़ वाटर ऐड करके आप उसको अपने फिंगर से अच्छे से मिक्स कर लो। अब आपको इसी मिक्सचर को अपने फेस पे अप्लाई करना है। अब देखो इसको अप्लाई करने के बाद में थोड़ी सी इचिंग होगी जो कि बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है यार। और पता है इचिंग का मतलब यही होता है कि जो हम इंग्रेडिएंट अपने फेस पे यूज़ कर रहे हैं, जो हमने लेमन अप्लाई किया है, वो अपना अच्छा रिजल्ट हमको दिखा रहा है, वो प्रॉब्लम को सही कर रहा है, इसी वजह से इचिंग हमको होती है। तो इस चीज़ को आपको अप्लाई करना होगा डेली रात में सोने से पहले फेस को धुल के आप इसको अप्लाई कर लो, और पूरी रात के लिए फिर आपको इसको ऐसे ही रखना है। तो जो टोमेटो वाला पैक मैंने बताया है वो डेली दिन में अप्लाई करना है, ये जो लेमन जूस वाला ये मिक्सचर है ये आपको डेली रात में अप्लाई करना है, और इन दोनों चीज़ों को डेली आपको फॉलो करना होगा, तभी रिजल्ट जो है वो आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा। चलो यहाँ पे रेमेडीज की बात तो कंप्लीट हो गई। अभी इसके बाद में मैं आपको एक फेशियल योगा बताने वाली हूँ जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो गई, स्कार्स हो गए या फिर स्पॉट्स हो गए, उनको ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब इस फेशियल योगा के बारे में मैंने गूगल पे काफ़ी ज़्यादा देखा है, लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बताई कि हाँ ये बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है, तो आप इसको ट्राई करके देखो रेमेडीज के साथ में, ये भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाएगा। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कि वो फेशियल योगा है क्या। तो करना ये होगा, आपको ऐसे स्ट्रेट बैठ जाना है, ऐसे पलथी जमा के अच्छे से, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको अपने फेस को ओ शेप में करना है, जैसे मैं आपको करके अभी दिखा रही हूँ ना, आपको बिल्कुल वैसे ही करना है, ओ शेप में अपने फेस को करना है। उसके बाद में कुछ इस तरीके से आपको अपने फेस को ऐसे नीचे साइड में करना है, और ओ शेप को आपको बिगाड़ना नहीं है, मतलब उस चीज़ को आपको वैसे ही रखना है और उसके साथ में अपने फेस को ऐसे नीचे करते जाना है। और इस चीज़ को आप जब करोगे ना, आपके यहाँ जॉ लाइन के पास में भी थोड़ा सा लगेगा, कुछ हल्का सा मतलब हो रहा है, और ये चीज़ हेल्प करती है हमारे फेस के स्कार्स को ठीक करने में, पिगमेंटेशन को ठीक करने में। तो ये जो फेशियल योगा है बहुत ही सिंपल सा है, आप डेली इस चीज़ को फॉलो करना, दिन में, रात में, शाम में, कभी भी आपको टाइम मिले आप इस चीज़ को फॉलो करो।
करो और एक बार में 15-20 सेकंड के लिए इस चीज़ को करना, फिर 5-10 सेकंड के लिए रुक जाना, फिर आप इस चीज़ को रिपीट करना। और यस, ये भी बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगा आपकी इस प्रॉब्लम को ठीक करने में। और फेशियल योगा बहुत टाइम से चला आ रहा है, इस चीज़ को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, उनको अच्छा रिजल्ट मिला है, तभी वो लोग ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं कि हाँ आप भी इसको ट्राई करो। तो आप ट्राई करना अगर आपको बहुत जल्दी अपने फेस के स्कार्स को ठीक करना है। तो यही था मेरा सिंपल सा वीडियो स्कार्स के लिए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।